नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग बात करेंगे पेटीएम शेयर की। बिल्कुल, पेटीएम की ये आज की न्यूज़ है 19 अप्रैल की सुबह 11:28 की, जिसमें क्या बताया जा रहा है। देखिए, पेटीएम के शेयर इन दिनों उड़ान भर रहे हैं। कंपनी के शेयर आज BSE पर 3.33% की तेज़ी के साथ 683.90 रुपये के कारोबार कर रहे हैं। हालांकि ये तो जब सुबह की न्यूज़ है तब तक ये था, उसके बाद तो इसमें ऐसी पिटाई हुई है, इसमें क्या अच्छे आज तो लास्ट के एक घंटे में ऐसी पिटाई हुई है शेयर मार्केट में हर स्टॉक की। तो अगर जिसका दिल कमज़ोर होगा उसके लिए तो मार्केट आज थी नहीं, लास्ट के एक दो घंटे देखने वाली थी ही नहीं। खैर, आगे बात करते हैं। शुरुआती कारोबार में यह शेयर आज 675 रुपये पर ओपन हुआ था। ग्लोबल फाइनेंस प्रमुख सिटी ने पेटीएम के शेयरों पर बाई रेटिंग दी है। बिल्कुल, और टारगेट प्राइस 910 रुपये रखा है, जो मौजूदा शेयर प्राइस से लगभग 34% अधिक है। हालांकि देखिए, ये रेटिंग जो है बाई रेटिंग है, ये थोड़े थोड़े दिन में ये लोग रिवाइज़ करते रहते हैं, और ये रेटिंग 910 रुपये का टारगेट इससे पहले भी जो मैंने वीडियो बताया था उसमें भी बताया था। तो अभी ये इसको सस्टेन रख रहे हैं, इसको उसी पे रख रहे हैं कि बाई रेटिंग अभी भी बरकरार है, ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में इस स्टॉक को 5 बाई रेटिंग है, 2 होल्ड और 3 सेल रेटिंग हासिल है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि बाई और होल्ड की रेटिंग आप देखेंगे तो 5, 2, 7 टोटल है और 3 सेल रेटिंग यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। आज के कारोबार में यह स्टॉक 29.85 रुपये यानी 4.93 टूटकर 661 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। ये है परसों की न्यूज़, मतलब जो ये न्यूज़ है ये परसों की है, लेकिन अब मैं आपको ये मेन दिखाना चाह रहा हूँ जो 5 बाई और 2 होल्ड और 3 सेल रेटिंग है। आगे देखिए, सिटी ग्रुप रिसर्च का क्या कहना है कि यहाँ चिंताएं ज़रूरत से ज़्यादा निराशाजनक हैं और वर्तमान मार्केट प्राइस पर इस समय पेटीएम का वैल्यूएशन अच्छा नज़र आ रहा है। सिटी ग्रुप ने हाल ही में अपने निवेशकों के लिए अपने एक नोट में कहा कि पेटीएम में आगे ग्रोथ के कई कारण नज़र आ रहे हैं, आगे हमको इसके मुनाफे में बढ़ोतरी होते दिखेगी। कंपनी के पास यूजरों का एक बड़ा स्पेस है जिसे आगे चलकर इसको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर ये सिटी ग्रुप का मानना है। बात करें अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप देखेंगे सारा पब्लिक है, प्रमोटर जैसा नहीं है इसमें। जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि हर कंपनी में प्रमोटर्स हों ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कंपनियाँ कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी रन करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो DII 1.06% आपको DII दिखाई दे रहे हैं, और FII देखिए 9.36 आपको दिखाई दे रहे हैं। बात करें अगर वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में यहाँ पर आपको कमी दिखाई दे रही है। देखिए, एक मंथ का एवरेज 1 करोड़ है, एक हफ्ते का एवरेज 1 करोड़ है, कल का एवरेज देखेंगे तो आप 53 लाख, और आज का अगर आप एवरेज देखेंगे तो आपको 61 लाख रुपए के करीब आपको दिखाई देगा, 61 लाख दिखाई देगा। वहीं अगर डिलीवरी पर्सन की बात करें तो 18% के आसपास की डिलीवरी है, एवरेज है एक मंथ का। एक हफ्ते का अगर आप बात करेंगे तो 14.24%, और अगर कल का देखेंगे तो आप 23%। आज का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। वहीं बात करें इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो 678 रुपये पहला रेजिस्टेंस, दूसरा 695 और तीसरा 707। आज 695 पे जाकर इसने अच्छा खासा गिरावट दिखाई है, और भयानक गिरा है उसके बाद से लास्ट के एक दो घंटे में जो मार्केट का प्रेशर था उसमें। वहीं सपोर्ट की बात करें तो 649 आपका पहला, दूसरा 637 और तीसरा 620 रुपये का यहाँ पर इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है। बात करें अगर इसके प्राइस एक्शन की, तो आप देखेंगे यहाँ पर अच्छा खासा आपको गिरावट होने के बाद यहाँ पर एक अच्छा मूव आया था, लेकिन यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर 2 दिन से पिछले अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। आज इसने हालांकि अच्छा मूव दिखाया था, 700 रुपये के आसपास ये पहुँचा था, लेकिन वहाँ से फिर से इसमें ग्वाली आई, और लास्ट में तो जो गिरावट हुई है मार्केट में उसका तो प्रेशर आज खैर बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक्स पे भी था, तो इस पे तो होना लाजमी है। खैर, अगर आप चाहते हैं इसको उठाना, तो मेरे हिसाब से आपको ये 630-20 के आसपास मिलता है, तो आप उठाइए इसको, और उठा सकते हैं इसको। और इसका टारगेट जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि आपको फिर से जल्द ही, आपको जैसे ही मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आएगी, थोड़ा सा मार्केट का मूड पॉजिटिव होगा, तो आपको जल्दी 700-750 के आसपास ही फिर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बात करें अगर इसके वीकली कैंडल की, तो आप वीकली कैंडल पर नज़र डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पिछले 3 हफ्तों से लगातार आपको यहाँ पर एक अच्छा मूव दिख रहा था, और अच्छी ग्रीन कैंडल यहाँ पर आपको फॉर्म होती दिखी थी, लेकिन ये जो वीक है, ये वाला वीक, इसमें आपको यहाँ पर गिरावट दिख रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये गिरावट थोड़ी सी और ज़्यादा नीचे तक जा सकती है। तो आपको अगर 600 के आसपास ये फिर से मिलता है, 600 से 620 की रेंज में आपको मिलता है, तो आप इसको एक बार उठा सकते हैं, लेकिन 600 से नीचे नहीं जाना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है। बात करें अगर इसके मंथली कैंडल की, तो आप मंथली कैंडल पर नज़र डालिए, आपको समझ में आएगा कि पिछले 3 महीनों से लगातार आपको, 4 महीनों से माफ़ कीजिएगा, गिरावट देखने को मिल रही थी। एक सेकेंड,
पाँच महीनों से लगातार गिरावट देखने के बाद आपको यहाँ पर एक हरी कैंडल बनते हुए नज़र आ रही है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अभी एक दो हफ्ते बचे हैं, जो थोड़ा 10 दिन का समय बचा है उसमें ये वापस आपको लाल कैंडल बनते हुए नज़र आ जाए। तो इसमें जैसा कि मैं अपने हमेशा व्यूवर्स को बताता हूँ कि जो इस तरह के स्टॉक्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है या अच्छा खासा मार्केट का प्रेशर भी चल रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कतई मत लगाया करिए। आप उतना पैसा लगाइए कि ठीक है, जितना आप मैनेज कर सकें, बहुत ज़्यादा टेंशन ना हो। क्योंकि आज जिस हिसाब से मार्केट गिरी है ना, लास्ट के एक दो घंटे में अच्छा खासा आज FII ने सेलिंग करी है, अच्छी खासी, कम से कम 4-5 हज़ार करोड़ रुपये की तो सेलिंग करी ही होगी। खैर, वो डाटा अभी शाम तक आएगा तो वो पता ही चल जाएगा। और बाकी मैं जैसा हर बार बताता हूँ, ये मेरे पर्सनल व्यूज होते हैं, मैं बिल्कुल गलत भी हो सकता हूँ। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछा करिए। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए और बेल आइकन दबा दिया करिए। धन्यवाद।